लाट में, रेंज बाई रेंज, कलर बाई कलर। कभी कभी जो हमको इतनी सस्ती जीन्स मिलती है, क्या वास्तव में उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता? तो फिर ये इतना सस्ती मिल कैसे जाती है? क्या वो चोरी की रहती है, या तो कोई बड़े डिफॉल्ट में रहती है, या कोई बड़ा माइनर रहता है? ये सब हमारे दिमाग में उठता है। दोस्तों, ये सही बात है, कभी कभी जो लाट में इतनी फ्रेश जीन्स इतने कम रेट में मिल जाती है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसा कि आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ, कॉटन बाई कॉटन कपड़ा विथ पावर लाइक्रा जीन्स लाट में बिकी क्यों, या लाट में बिक क्यों रही है? 450 का पीस का बैच है, वो लाट में बिकी क्यों? तो दोस्तों, जैसा इसका देखो, इसका जो लाइक्रा है, देखो लाइक्रा कितना बढ़िया है, कॉटन बाई कॉटन। कलर भी इसमें दो कलर हैं, और जीन्स की बात करें तो एकदम बेहतरीन कॉटन बाई कॉटन कपड़ा विथ लाइक्रा। साइज, कमर, बॉटम सब ओके। फिर ये 450 का जीन्स 250 रुपये में कैसे बिका, या कैसे मिल रहा है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये इसका जो ये फ्रंट में पैटर्न बनाया गया, ये जो हरा और लाल लगाया गया, ये काफ़ी जूना क्रिएशन है। नए क्रिएशन में देखें तो आजकल डैमेजिंग चलता है, कपड़े चलते हैं लेकिन वाइट और ओनली ब्लैक। ये जो इसमें लाल और हरा कलर के पैचेस लगे हैं, ये बंद हो चुका है। ये क्रिएशन नहीं आ रहा अभी मार्केट में, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, कस्टमर नहीं खरीद रहे हैं। इस वजह से, ये पैटर्न फेल होने की वजह से, ये माल 450 का जो होलसेल का रेंज का माल है, वो 250 की रेंज में ये माल बिका। इसका मुख्य रीज़न यही था कि यह पैटर्न काफ़ी जूना हुआ, इस वजह से ये इतना सस्ते में माल मिला। अभी व्यापारी इसको निकालते क्यों हैं? क्योंकि व्यापारी जब तक ये माल दुकान में उसके रहेगा, उसके उसको हर टाइम यही दिखेगा कि ये माल मेरा नहीं बिक रहा है, ये माल नहीं बिक रहा है। तो व्यापारी क्या करता है कि उसको सोचता है कि ये माल निकले, जो नुकसान हुआ होवे, हम दूसरा माल भेजें, दूसरा माल बनाएं, दूसरा माल दुकान में आवे, नया माल आवे, नया पैटर्न आवे, नया कपड़ा आवे। तो उस वजह से वो जूना माल निकाल के, जो उनका लागत या मुनाफा जो टूटा, वो तोड़ के ये नया माल रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अच्छा जीन्स मिलने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है। सेकंड कारण, अभी एक माल है जिसमें तीन कलर है, ये देखो तीन कलर है, तीनों कलर का जो रेंज था वो 28 से 36 माल बना हुआ था, और कस्टमर को, जिस कस्टमर को ये माल चाहिए था, उसको रिक्वायर थी 30 से 36। अभी माल पूरा बन गया, ऑर्डर पूरा हो गया, 3,3200 पीस का लाट था, माल पूरा 30 से 36 चला गया होलसेलर को, बच गया उसमें 28 साइज। अभी 28 साइज तो कोई लेगा नहीं ऐसे, और जो भी लेगा वो कम रेट में लेगा, क्योंकि तो उसका भी माल अगर रिटेलर के पास जाएगा तो खाली 28 साइज नहीं बिकेगा। क्योंकि जो आजकल युवा शरीर है, युवा बॉडी है, वो 28 बहुत कम है। जीन्स जो आजकल चल रहा है, वो ज़्यादातर 30 साइज से चल रहा है। 28 कमर की जीन्स पहनने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक टाइम 26 साइज से स्टार्ट होता था, लेकिन आजकल 28 से शुरुआत होता है। 28 भी बिल्कुल कम कट रहा है, 30 साइज से 36 ज़्यादा माल कटिंग हो रहा है, ज़्यादा माल जा रहा है। तो अभी 28 साइज, 28 साइज के कलर देखिए,
कॉटन कपड़ा है, लाइक्रा है और 100% कॉटन है। अभी इसकी जो रेंज थी वो रेंज थी 450 रुपये होल सेल रेट, और यार जा कितना रहा है, 28 साइज होने की वजह से ये जा रहा है 310 315 में। अभी सोचो पूरा 140 रुपये का जो नुकसान हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि भाई इसमें केवल 28 साइज बचा हुआ है माल, और कस्टमर के पास जा रहा है तो वो सोच रहा है कि भाई इतना सस्ता आ क्यों रहा है। तो भाइयों इसकी कहानी ये है कि इसमें का जो रेंज था 30 से 36 वो माल पहले बिक चुका है, बचा जो है वो खाली 28 साइज बिका है, इसलिए वो रेट तोड़ के आ रहा है। तो मार्केट में फिर व्यापारी होलसेलर व्यापारियों के पास से ढूंढते हैं कि ये कपड़ा मैं लेके गया था और ये 300 रुपये में मिला, 310 रुपये में मिला, अब यही सेम कपड़ा आप हमको 450 में दे रहे हैं। तो 10 315 का जींस मिलने के पीछे यही कहानी है कि ये साइज टूटा हुआ निकला है, ये खाली 28 साइज है, या तो और कुछ जो पहले आपको बताया कि भाई गलत पैटर्न बन गए, उन सब की वजह से ये माल सस्ते में बिकता है। क्योंकि व्यापारी देखते हैं कि भाई इसकी कमर बराबर है, हर होलसेलर चेक करता है कि इसका कमर बराबर है, लूजिंग बराबर है, बॉटम बराबर है, तो इतना सस्ता आया क्यों। तो ये दो तीन रीजन हैं जिनकी वजह से कभी कभी अच्छा माल भी सस्ते में आ जाता है, उल्लासनगर से, दिल्ली से, मुंबई से, या जो इनके ब्रांड हैं उनकी जींस मिल जाती है इन सस्ते रेंज में, सस्ते कपड़ों में। तो हर टाइम ये चांस नहीं रहता है, और कभी कभी ये चांस मिल जाता है। तो इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये कपड़ों में हमको इतना ये रेट में मिला है तो आगे भी मिलेगा, दोस्तों ये चांस होता है। तो दोस्तों समझ गए, लाट में ये जूने पैटर्न और साइज तोड़ के मिलने वाला माल। आशा करता हूँ ये वीडियो जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।